थोड़ा सा भी जो शफा फरीद साहब के जो कल जो इन्होंने जिस तरीके से निवेदन दिया था डिविजनल कमिश्नर ऑफिस हो या यहाँ पर वो आयुक्त हो गया, जिस तरीके से रेट को बढ़ा दिया गया है, कारोबार इस वक्त बंद है, तो आज आप यहाँ पर पहुँचे, क्या बातचीत हुई आप? नहीं, महानगर पालिका चाहती है कि भाई ये सारे निज़ाम आधुनिक हो और टेक्निकली तौर से और हाइजीनिक तरीके से खाने पीने के निज़ाम पे कंट्रोल लाने के लिए महानगर पालिका कोशिश कर रही है। कमिश्नर साहब की जो भूमिका है मैं उसको सलाम करता हूँ। उन्होंने जो भूमिका ले रहे हैं, जो उनकी सोच है वो कहीं ना कहीं शहर के फ़ायदेमंद सोच है और शहर को अच्छा बनाने की एक कोशिश है, तो मैं समझता हूँ अच्छी कोशिश में हमने भी साथ देना चाहिए, इसमें कोई मज़ाक की बात नहीं है। रही रेट के बारे में बात है, उसकी हमारी चर्चा हो गई है नियमित रूप से, कल जो है मुनासिब दर के ऊपर इनकी चिट्ठी फटेंगी ऐसा साहब ने कहा है और वो कल फैसला हो जाएगा। बहुत मुनासिब तरीके से काम चल रहा है, जो कुछ मुश्किलात है वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल अगर इसके बाद में अगर रेट कम नहीं होता है तो फिर क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कमीशन साहब की एक ख़ास बात है, वो हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई निर्णय लेते नहीं है, लोगों को भी उसकी सहूलत होना ऐसा ही वो निर्णय लेते हैं। उनकी बातचीत से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, जो तरीके से वो काम कर रहे हैं वो शहर के लिए और काम करने वाले ताजिरों के लिए भी मुनासिब होगा और उसके सिस्टम पर बात हो रही है। और ये जो रेट के मामले में उन्होंने कहा है उसकी उसके लिए कल वो फाइनल करके मुनासिब दर पे वो कर देंगे। आज हमारे नेता महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय कदीर मौलाना साहब के नेतृत्व में हमने महानगर पालिका के आयुक्त तथा प्रशासक अस्तिक कुमार पांडे साहब से मुलाकात की। औरंगाबाद शहर का बक्कर कसाब कुरेशी समाज एक विषय को लेकर पिछले एक सप्ताह से उलझन में था, उस उलझन को लेकर हमने आज हमारे कुरेशी बिरादरी के तमाम जिम्मेदार लोगों को लेकर आज एक कमिश्नर साहब से मुलाकात की, उनको इनके मसले पर उनका तवज्जो दिलाया और कुरेशी समाज के जो बक्कर कसाब कत्तलखाना मतलब स्लाडर हाउस है वो स्लाडर हाउस की फ़ीस बरसों से 10 रुपये ही होती थी, लेकिन अचानक महानगर पालिका प्रशासन ने जो निर्णय लिया है कि उसकी फ़ीस 100 रुपये कर दी गई है, लेकिन ये हमारे समाज को, हमारे समाज के व्यापारियों को ये 100 रुपये भरना पॉसिबल नहीं है। इस मुद्दे पर मौलाना ने कमिश्नर साहब से बात की, कमिश्नर साहब ने पॉजिटिव जवाब दिया और ये जो कारोबार है इस कारोबार को हम अत्याधुनिक स्वरूप में लाना चाहते हैं और हम शहर के लिए एक अच्छा निर्णय लेंगे। मौलाना साहब ने भी उनसे इस बिरादरी के बारे में सभी तकलीफ़ों के बारे में उनको बताया और उन्होंने भी पॉजिटिव जवाब दिया और इंशाल्लाह कल तक इस पे फैसला होगा। क्या